today's session we will discuss or we will revise the experiment which is reversal action of stripe colline on blood pressure. बच्चों जो reversal action है it means normal अगर हम देखें तो stripe colline blood pressure को क्या करता है? Fall करता है. किस receptor के through करता है? Muscarinic, especially M2 receptor के through करता है. EDRF induced nitric oxide release mechanism के through करता है. ये बात सबको क्लियर है? बात बराबर. यहाँ पे स्ट्राइक कोलिन के एक्शन को हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं. रिवर्स कर रहे हैं मींस कि बीपी क्या होने वाला है? कम. तो उसके बीच में हम एट्रोपिन यूज कर रहे हैं और एक जगह स्ट्राइक कोलिन की डोज को किस तरीके से इन दोनों का कोरिलेशन है स्ट्राइक कोलिन से बीपी को बढ़ाने में वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं अमन वर्ष. अमन आइए. अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टाइल कोलिन बीपी को कैसे बढ़ा रहा है. जो हमारा एसिड जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है उसको बीपी को कैसे बढ़ा रहा है हम लोग देखने वाले हैं. तो एसिटाइल कोलिन जो बाइंड होता है वो मस्केरिनिक रिसेप्टर से बाइंड होता है. मस्केरिनिक रिसेप्टर में M2 रिसेप्टर से बाइंड होता है. M2 रिसेप्टर से जो हमारा एसिटाइल कोलिन बाइंड हो रहा है तो हमारा बीपी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. अब हमको हम उसके बाद ये दे रहे हैं एट्रोपिन. एट्रोपिन क्या करता है? जितने भी मस्केरिनिक रिसेप्टर हैं M1, M2, M3, M4, M5 सबको ब्लॉक कर देता है. अब जब हम उसमें एट्रोपिन लिए हैं तो हमारा M2 रिसेप्टर को उसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया. जब हमारा एट्रोपिन ब्लॉक कर दिया तो हमारा क्या हुआ? फिर हमने उसके बाद सेम अमाउंट में एसिटाइल कोलिन दिया. जब सेम अमाउंट में एसिटाइल कोलिन देंगे तो हमारा बीपी स्ट्रेट लाइन में रहेगा, बढ़ेगा नहीं ना घटेगा. देन आफ्टर हमने अमाउंट बढ़ा दिया एसिटाइल कोलिन का 150 माइक्रोग्राम पर एमएल कर दिया. जब हमने अमाउंट बढ़ाया तो अब हमारा वो M2 रिसेप्टर से बाइंड होगा नहीं. उसके लिए वो क्या करेगा? मस्केरिनिक रिसेप्टर में बाइंड होगा, निकोटिनिक रिसेप्टर में बाइंड होगा. निकोटिनिक रिसेप्टर दो होते हैं, एक होता है NM, एक होता है NN. NM जो होता है वो होता है स्केलेटल मसल के लिए, तो वहाँ इसका कोई काम नहीं है. जो NN होता है वो होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के लिए. अब ये जाके हमारे बाइंड होगा NN रिसेप्टर से. जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होता है उसमें दोनों होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक. तो सिंपैथेटिक के केस में हमारा अब यहाँ पे बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. दैट्स ऑल. ठीक है बेटा, ये बताइए ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है, लाइक जैसे ही मैंने एसिटाइल कोलिन इंजेक्ट किया तो क्या इंडिकेट कर रहा है? कोलिन रिसेप्टर कौन सा इन्वॉल्व है बच्चों? आप बताइएगा एट्रोपिन देने के बाद स्ट्रेट लाइन क्यों आया? क्योंकि मस्केरिनिक रिसेप्टर सब क्या हो गए? ब्लॉक. अमन आप ये बताइए मुझे एक्सप्लेन करके, यहाँ पे हायर डोज पे बीपी अब कैसे हो रहा है? फिर से एक्सप्लेन करिए. जब हम हायर डोज दे रहे हैं वो हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे M2 रिसेप्टर से बाइंड हो नहीं रहा है क्योंकि एट्रोपिन उसको ब्लॉक कर दिया. ठीक है, बात बराबर बैठ गई. बात सही है कि आपका हायर डोज ऑफ एसिटाइल